जिले में करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। दियरा क्षेत्र के लोगों की स्थिति अत्यंत ही खराब है। लोगों का पूरा घर पानी में डूब गया है। ऐसे लोगों की काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी इनकी सहायता कर रहे हैं। इन्हीं लोगों में से एक हैं कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। पानी का इसी से ही जा खाना बनता, हम सब खाता नहीं जा, खाओ का परिवारों का खाना आदमी लेके जाता है यहाँ से, जी आता वो खाता अपना परिवार का खाना लेकर जाता। और क्या सुविधा मिलता है? सब चीज़ की सुविधा है, जब बढ़ रहा कोई बात के परेशानी नहीं है, वहाँ का सब व्यवस्था कर दे बनी। बाढ़ आई लोग बाढ़ में क्या समस्या है? बाढ़ आई लोग परिवार खाता हमारियों खाता नहीं छोटे दिया समस्या सब ठीक है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि विधायक पप्पू पांडे के द्वारा यहां खाने पीने से लेकर हम लोगों की सहायता के लिए हर तरह का सहयोग किया जा रहा है। उन लोगों ने बताया कि काला मटिहनिया पंचायत सहित कई गांव के लोग यहां लगातार खाना खा रहे हैं तथा अपने परिवार के लिए खाना घर भी ले जा रहे हैं। पप्पू पांडे आइल बड़े तो हमें सब ही घूम रहा बड़े खियावे पियावे के सब भोजन भाव सब दे रहा बड़े पान भरवा दल है बिजली बल्ब लगवा दल है अब का करिए सब कुछ बदल बड़े कुछ कमी नहीं कहिए हमिक पानी सब नहीं करती में ये जब हमिक बात करता रहे पानी पानी सब केहू ना आवत रह बाद में लोग आवे लगल हाँ बाद में पप्पू पांडे आके हम सेवा सवाई कर वहीं राहत शिविर का काम देख रहे अनिल कुमार पांडे ने बताया कि यह शिविर विधायक द्वारा लगाया गया है। इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई सहयोग नहीं लिया जा रहा है और जब तक यह बाढ़ की स्थिति बनी रहेगी यह शिविर चलता रहेगा। पुष्पेंद्र कुमार सिंह गोपालगंज मटिनिया पंचायत के काला मटिनिया गाँव में वार्ड नंबर 6, 7, 3, 13 के लिए यहाँ पे विधायक अमरेंद्र पांडे जी की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई है। लगभग यहाँ पे 6,000 लोगों का भोजन बन रहा है, दो जगह भोजन बन रहा है, भोजन 3,000-3,000 दो जगह पे बन रहा है, जो जहाँ पे सारे लोग अपना भोजन पूरे परिवार का आ करके ले के जाते हैं और स्वयं जो मुखिया है परिवार के वो लोग यहाँ पे भोजन करते हैं। यहाँ पे कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए और मौसम को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है कि अपना अपना भोजन वो लोग अपने परिवार के ले करके चले जाएँ घर पर। कितने दिनों से इसमें? ये 2 दिन से आरंभ है और आज तीसरा दिन है और आगे ये 10 तारीख तक व्यवस्था रखा गया है। स्थिति को देखते हुए बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। ये जो शिविर चल रहा है क्या गवर्नमेंट फंडिंग से चल रहा है या विधायक? नहीं, विधायक अमरेंद्र पांडे स्वयं अपने तरफ से सारी व्यवस्था किए हैं, कहीं दूसरे किसी का इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, स्वयं पप्पू पांडे जी का ये सारा व्यवस्था दिया हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार पांडे हुआ है।